विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+2 की हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी डेटशीट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने वाला है वो है कि इस परीक्षा का जो समय है वो क्या है। कि अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपकी जो परीक्षा का समय होगा वो दोपहर 12:30 से लेके और 3 बजे तक का समय होगा। यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। अब देख लेते हैं कि कौन सी डेट को कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। तो बात करें अगर सबसे पहले पेपर की तो यहाँ पे 20 अप्रैल को आपका हिंदी का एग्जाम होगा, कंपलसरी का भी और इलेक्टिव का भी। यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि इंग्लिश स्पेशल फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन लियू ऑफ हिंदी कोर। जो फॉरेनर स्टूडेंट है, जो दूसरे देशों के स्टूडेंट है, उनका स्पेशल इंग्लिश का एग्जाम होगा जो कंपलसरी हिंदी है उसकी जगह पे। इसके बाद अगर बात करें सेकंड पेपर की तो 23 अप्रैल को आपका फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, 27 अप्रैल को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 29 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 30 अप्रैल को आपका होम साइंस का एग्जाम है, 1 मई को इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव दोनों, कोर और इलेक्टिव दोनों। इसके बाद 3 मई को मिलिट्री साइंस और डांस के सभी ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस, तो मिलिट्री साइंस और डांस के जितने भी ऑप्शन है उसका एग्जाम है, 4 मई को पंजाबी का आपका एग्जाम है, 5 मई को केमिस्ट्री अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो 5 मई को है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री अकाउंटेंसी, जिसको अकाउंट्स भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 6 मई को जियोग्राफी का एग्जाम है, 7 मई को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, और इसके साथ साथ ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अनेबलिंग साइंस, ये जो ITES का जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 28 फरीदाबाद के स्टूडेंट्स के लिए है। केवल यहाँ पे एक तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और ITES का जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 28 फरीदाबाद के लिए। इसके बाद 8 मई को हिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम है, 10 मई को एग्रीकल्चर और साइकोलॉजी का एग्जाम है, 11 मई को संस्कृत उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम है, 12 मई को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, 13 मई को म्यूजिक हिंदुस्तानी ऑल ऑप्शंस, फिलोसफी और बिजनेस स्टडी। तो यहाँ पे म्यूजिक हिंदुस्तानी, फिलोसफी और बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम है वो 13 मई को है, 15 मई को सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है, और 17 मई को NSQF के सभी जितने भी ऑप्शंस है, ऑल ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस NSQF के ऑल ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन है NSQF में एक बार रीड कर लेते हैं कि NSQF में यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है। रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, IT एंड ITES, IT और ITES दोनों, पेशेंट केयर असिस्टेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑफिस सेक्रेटरीशिप एंड सेनोग्राफी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ट्रेवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, पेडी फार्मिंग, मीडिया एनिमेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, विजन टेक्नीशियन, अपैरल फैशन डिजाइनिंग। जो इन सभी का एग्जाम है, NSQF के जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी ऑप्शन है, ये इन सभी का जो एग्जाम है वो 17 मई को है। आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल जो स्पोर्ट्स वाला है, जो फिजिकल यहाँ पे जैसे मेंशन है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, वो जो आपका एग्जाम है NSQF में आता है जो, ये वो 17 मई को है, और यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है वो 29 अप्रैल को है। ये आप थोड़ा सा ध्यान, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि NSQF के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है उसका जो एग्जाम है वो 17 मई को है, और फिजिकल एजुकेशन जिसको हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी बोलते हैं उसका जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल को है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी डेटशीट फाइनल एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम के दौरान जो कोविड के नियमों का पालन करना है,
एक ट्रांसपेरेंट बोतल आपको सैनिटाइजर की लेके जानी है, मास्क आप अपना लेके जाएं, मास्क लगा के जाएं और अपने वाटर बोतल भी अपने साथ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।